टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक पांच मिल की बीएड द्वितीय वर्ष की क्लास में आपका स्वागत है। आज 5 सितंबर है तो आप सभी को छात्र अध्यापकों को टीचर डे की शुभकामनाएं, हैप्पी टीचर डे। इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हमने पीछे वाली क्लासों में हमने समग्र शिक्षा की अवधारणा, उसका अर्थ और उसके उद्देश्य, आवश्यकता और उसका महत्व, सिद्धांत के बारे में देख लिया था। तो आज हम समग्र शिक्षा के प्रतिमान का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के मॉडल के आधार पर समग्र शिक्षा कार्य करती है। तो प्रमुख रूप से समग्र शिक्षा के जो मॉडल्स हैं वो 4 प्रकार के हैं। तो समग्र शिक्षा का जो पहला मॉडल है वो है क्षमता का प्रभावकारी प्रतिमान। क्षमता का प्रभावकारी प्रतिमान। दूसरा है क्षमता का जैव केंद्रित प्रतिमान, बायोसेंटर। क्षमता का जैव तीसरा है अक्षमता का कार्यशील प्रतिमान। अक्षमता का कार्यशील मानवाधिकार प्रतिमान। इस प्रकार से मुख्य रूप से समग्र शिक्षा के 4 प्रतिमान है। क्षमता का प्रभावकारी प्रतिमान, क्षमता का जैव केंद्रित प्रतिमान, अक्षमता का कार्यशील प्रतिमान, अक्षमता का मानवाधिकार प्रतिमान। तो इसमें हम क्रमवाइज इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षमता का प्रभावकारी प्रतिमान। तो हम इसके अंदर किस प्रकार से कार्य करते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है क्षमता का परोपकारी प्रतिमान। तो परोपकार का मतलब क्या होता है? हम किसी का सहयोग करते हैं, हम किसी पर कुछ इस प्रकार से कार्य करते हैं कि उसकी सहायता और सहयोग और सहानुभूति रखते हैं, परोपकारी नज़रों से देखते हैं। तो इस प्रकार से जो अक्षम बालक हैं, डिसेबिलिटी बालक हैं, उसके बारे में जब हम परोपकारी भावना से कार्य करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, हमें लगता है कि वो अक्षम हैं, उनको हमें सहायता करनी चाहिए, इस आधार पर समग्र शिक्षा में यह प्रतिमान कार्य करता है। तो आपने देखा होगा कि आप अपना जो देश है वो एक धार्मिक और सामाजिकता के ये अधिक विश्वास करता है। धार्मिकता के आधार पर वो गरीब विकलांग बच्चों को क्या है के प्रति सहानुभूति रखता है। तो ये शुरुआत से चला आ रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है। इस प्रकार से वो क्या है, इस परोपकारी के आधार पर वो इन विकलांग बालकों को, जो डिसेबिलिटी बालक हैं, उनका सहयोग करते हैं। कई प्रकार की ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, जैसे नारायण सेवा है, मानवाधिकार सेवा संस्थान है, इस प्रकार की संस्थाएं, कई धार्मिक संस्थाएं हैं, कई सामाजिक संस्थाएं हैं, जो परोपकार के आधार पर वो क्या है, इन विकलांग बच्चों की सहायता करती है और इसी के आधार पर वो क्या है, कार्य करती है। इसी आधार पर वो विकलांग बच्चों को के लिए शिक्षा के लिए भी कार्य करती है, उसके खान पान के लिए, उसके विकास के लिए भी कार्य करती है। तो इस प्रकार से अक्षमता का जो परोपकारी प्रतिमान है उसके हम गुण और दोष देखेंगे। सबसे पहले अक्षमता के प्रतिमान के गुण देखेंगे। अक्षमता
क्षमता का प्रोपकारी प्रतिमान के गुण क्या क्या गुण है, किन गुणों के आधार पर यह कार्य करता है। तो सबसे पहले है विकलांगों के कल्याण के लिए कार्य करता है, विकलांगों के कल्याण का आरंभ इसी से होता है। तो विकलांगों के नंबर एक है विकलांगों का कल्याण का प्रारंभ, विकलांगों के कल्याण का प्रारंभ। तो समावेशी के शिक्षा के आधार पर क्षमता के परोपकारी प्रतिमान है, इसके आधार पर जो अक्षम बालक हैं विकलांग बालक हैं उनके कल्याण के लिए कार्य किया जाता है, उनके कल्याण के लिए इस प्रकार सहयोग किया जाता है, उसके रहने के लिए, उसके खान पान के लिए, उसकी शिक्षा के लिए क्या है सहायता की जाती है, तो इसके कल्याण के लिए भी कार्य किया जाता है। दूसरा है मानवता की भावना का विकास, मानवता की भावना का विकास। इस प्रतिमान के तहत जो मानवता है की भावना है उसका विकास होता है, मानव विकलांग बालकों में मानवता के आधार पर वो उसका सहयोग करते हैं, सहानुभूति रखते हैं और उसके लिए जो भी उसकी आवश्यक चीजें होती हैं उसको क्या है उसके लिए मदद करते हैं ताकि वो भी। आगे हम देखते हैं नंबर तीन है विकलांगों को आवास व भोजन, विकलांगों को आवास व भोजन। तो हमारे देश के अंदर सामाजिक और धार्मिक से अधिक विश्वास किया जाता है, तो प्रयास किया जाता है कि एक मानव होने के नाते इन विकलांगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, वो भी जीवन समाज में रह सकें, तो उनके लिए आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है इस समावेशी शिक्षा के तहत या इस अक्षमता का जो परोपकारी प्रतिमान उसके तहत। तो सबसे पहले तो विकलांगों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था, उसके बाद उसकी शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। तो ये परोपकारी प्रतिमान है वो सहानुभूति रखते हुए विकलांगों को आगे बढ़ने के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार से फोर्थ पॉइंट है सामाजिक दायित्व का विकास, सामाजिक दायित्व का विकास। सामाजिक दायित्व के विकास के अंदर ये होता है कि समाज का विकास में परोपकारी जो प्रतिमान है उसके संभव होता है कि विकलांगों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना रहे, प्रत्येक समाज का जो व्यक्ति है उसके लिए उत्तरदायित्व की भावना रखे और उसका सामाजिक दायित्व बनता है कि वो अपने से अक्षम व्यक्ति को साथ लेकर के चले, उसके विकास में सहयोग करे, वो सहयोग आर्थिक रूप से भी हो सकता है, उसको सामाजिक रूप से भी हो सकता है। तो इस प्रकार से समाज के हर व्यक्ति का दायित्व बनता है, समाज के हर सामान्य व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो क्या है अपने से अक्षम व्यक्ति को आगे लेकर चले और साथ लेकर चले, इसी के आधार पर वो सहानुभूति के आधार पर ही वो विकलांगों के लिए सहयोग करता है जो यथासंभव आर्थिक रूप से और किसी प्रकार से शारीरिक रूप से किसी प्रकार का जो सहयोग हो सकता है वो उसके लिए तत्पर रहता है। और नंबर पांच है आगे है विकलांगों के लिए आर्थिक सहायता, विकलांगों के लिए आर्थिक सहायता। तो आपने देखा होगा समाज के अंदर कई प्रकार की ऐसी संस्थाएं हैं जो विकलांगों के लिए कार्य करती हैं और उसके लिए आर्थिक सहायता देती हैं, कुछ ऐसे
जो फिल्म स्टार हैं या खिलाड़ी हैं वो अपने जो कार्यक्रम ऐसे प्रकार से रखते हैं कि उसकी जो भी इनकम होती है या उसी प्रोग्राम कार्यक्रम की जो भी इनकम होती है वो एक संस्था के नाम से, विकलांगों के नाम से क्या है वो उसको देते हैं। इस प्रकार से वो भी एक प्रकार से इन विकलांगों की सहायता कर रहे हैं। तो जितना संभव प्रयास किया जाता है कि विकलांगों के लिए आर्थिक सहायता की जाए और विकलांगों को भी समाज के अंदर रहने का मौका मिले, वो अपना विकास कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है विकलांगों के प्रति सहानुभूति। विकलांगों के प्रति सहानुभूति, तो विकलांगों में सभी प्रकार के अक्षम बालक आ जाते हैं चाहे किसी प्रकार के हैं, तो विकलांग व्यक्ति जो विकलांग बालक है उनके प्रति सहानुभूति रखी जाती है कि उनको दया और दृष्टि से देखा जाता है, उनके लिए जब संभव प्रयास किए जाते हैं। इसी प्रकार से सहानुभूति के आधार पर जो परोपकारी प्रतिमान को कार्य करता है और इसी प्रतिमान के आधार पर समग्र शिक्षा का कार्य किया जाता है। नंबर 7 है, नंबर विकलांगों के लिए धार्मिक संस्थाएं। विकलांगों के लिए धार्मिक संस्थाएं, तो विकलांगों के सहयोग के लिए क्या है, कई प्रकार की धार्मिक संस्थाएं हैं जो इस प्रकार से कार्य करती हैं और इनके आधार पर वो क्या है इनकी सहायता करती हैं। इस प्रकार से वो क्या है, मानव जिस प्रकार से नारायण सेवा संस्थान है, मानव सेवा संस्थान है और मानव सेवा समिति है, इस प्रकार की जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो क्या है बालक बालिकाओं की सहायता करती हैं। कई प्रकार के ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर ये बाल विकलांग बालक रहते हैं और वहाँ पर शिक्षा भी ग्रहण करते हैं और अपना विकास करते हैं। इस प्रकार से आगे का जो पॉइंट है वो है विकलांगों का संरक्षण। विकलांगों का तो परोपकारी प्रतिमान के तहत विकलांगों की सुरक्षा के या संरक्षण किया जाता है, उनको संरक्षण इस प्रकार से सद्भावना और श्रद्धा के आधार पर उसकी सुरक्षा की जाती है, उसके विकास में सहायता की जाती है। तो इस प्रकार से वो क्या है धार्मिक संस्थाएं हैं जो इसको या कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं उसका संरक्षण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है विकलांगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। विकलांगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, तो परोपकारी प्रतिमान के तहत जो विकलांग व्यक्ति हैं, विकलांग बालक हैं, अक्षम बालक हैं, उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है और ये प्रयास उसमें ये व्यवस्थित किया जाता है कि ये भी बालक समाज का अंग हैं, तो इनको भी विकास करने का और इसको भी समाज में रहने का हक है। इसी आधार पर उसको उस अध्याय के आधार पर आर्थिक सहायता, सामाजिक सहायता दी जाती है। तो परोपकारी प्रतिमान के तहत विकलांगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है। आगे जैसे पॉइंट आ रहा है कि विकलांग समाज का अंग, विकलांग समाज का अंग, तो
के तहत ये देखा जाता है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, अक्षम व्यक्ति हैं और पिछड़े हुए बालक हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, उन वो भी एक समाज का अंग है, उनको भी समाज में रहने का अधिकार है और उनके प्रति क्या है सहानुभूति और उसके लिए या इस प्रकार की भावना रखी जाती है ताकि वो समाज में रह करके कार्य कर सकें, समान अवसर का प्रयास किया जाता है कि उनको भी समानता का अवसर मिले। तो इस प्रकार से विकलांग व्यक्ति को एक समाज का अंग मान करके उसके विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं इस परोपकारी प्रतिमान के तहत। तो अब हमने पहले अक्षमता के जो परोपकारी प्रतिमान है इसके हमने गुण देखे थे, इसमें कल्याण के लिए कार्य किया जाता है, उसके लिए आर्थिक सहायता की जाती है, उसमें धार्मिक संस्थाएं कार्य करती है, इस प्रकार से इसके गुण हैं। तो लेकिन इन गुणों के साथ साथ कुछ दोष है इस परोपकारी प्रतिमान के, वो हम देखेंगे कि क्या क्या दोष है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम दोष के बारे में देखेंगे। तो परोपकारी प्रतिमान के दोष देखते हैं अपने, तो दोष के अंदर किस प्रकार से क्या क्या दोष है इसके अंदर। उसमें सबसे पहला दोष है सीमित क्षेत्र, सीमित क्षेत्र। तो परोपकारी प्रतिमान का क्षेत्र सीमित कैसे है, तो इसमें क्या है परोपकारी प्रतिमान के अंदर सिर्फ सहायता के लिए प्रयास किया जाता है, सहायता में उसके रहन सहन और आवास का या फिर खान पान का प्रबंध किया जाता है, उसके सर्वांगीण विकास का प्रयास नहीं किया जाता बालक के। इस प्रकार से इसका क्षेत्र क्या है सीमित है। जो संस्थाएं कार्य करती है वो ये प्रयास करते हैं कि बालक के लिए रहने की व्यवस्था हो जाए, खान पान की व्यवस्था हो जाए, लेकिन उसकी शिक्षा का और सामाजिक विकास पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। इस आधार पर ये जो इसके अंदर दोष है कि ये एक सीमित क्षेत्र के लिए कार्य करता है और इसका क्षेत्र व्यापक नहीं है, क्योंकि समय शिक्षा के रूप में कार्य इस जो करना है वो जितना सफल नहीं हो पाता ताकि वो बालक सर्वांगीण विकास कर सके और शिक्षा ग्रहण कर सके। तो सिर्फ उसके खान पान और रहन सहन की व्यवस्था इस प्रतिमान के तहत अधिकतर देखी जाती है। दूसरा है हीन भावना का विकास, हीन भावना का विकास। परोपकारी प्रतिमान के तहत जब एक अमीर व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति किसी गरीब की सहायता करता है, विकलांग की सहायता करता है, तो उस विकलांग व्यक्ति के मन में एक हीन भावना का विकास होता है कि मैं इससे छोटा हूँ, गरीब हूँ, विकलांग हूँ, इसीलिए मेरी कोई सहायता कर रहा है। तो उसके अंदर एक हीन भावना हो जाती है, वो समाज से अलग हो जाता है, अपने आप को वो अलग समझ लेता है कि मैं समाज से अलग हूँ, इसलिए मेरे पर दया की जा रही है, इसलिए मेरे पर सहानुभूति की जा रही है। तो उसके अंदर वो एक हीन भावना का विकास हो जाता है, तो वो समाज में आत्मविश्वास से नहीं रह पाता और अपना विकास नहीं कर पाता। इस प्रकार से इसका एक दोष यही है परोपकारी का कि इसके अंदर हीन भावना का विकास होने की संभावना अधिकतर रहती है और बालक है वो अलग थलग हो जाता है समाज से, व्यक्ति भी अलग थलग हो जाता है। इस प्रकार से वो क्या है हीन भावना का विकास इसमें होता है। तीसरा है सर्वांगीण विकास का अभाव, सर्वांगीण विकास का अभाव। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इसका क्षेत्र सीमित है, सिर्फ बालक के भोजन और रहन सहन की व्यवस्था इसके अंदर की जाती है, उसका शारीरिक, उसका धार्मिक, उसका सामाजिक, उसका संवेगात्मक विकास के लिए किसी इसमें कोई भी प्रकार के प्रयास अधिकतर नहीं किए जाते। तो सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, तो इस प्रकार से शिक्षा के लिए भी इसके अधिकतर प्रयास नहीं किए जाते और इस प्रकार की संस्थाएं भी लोग क्या सिर्फ इसके रहने और खाने के लिए प्रबंध करती हैं और इसमें सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता। नंबर चार है आत्मनिर्भरता का अभाव, आत्मनिर्भरता का अभाव।
इस परोपकारी प्रतिमान के तहत बालक के को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास नहीं किया जाता, उसमें किसी प्रकार के कौशल विकसित नहीं करने का प्रयास किया जाता जिससे कि वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, उसके लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इस प्रकार की संस्थाएं भी उसको उसकी रुचि के योग्यता के अकॉर्डिंग प्रशिक्षण नहीं देती और सिर्फ उसके रहने और खाने का प्रबंध करती है, कुछ आर्थिक सहायता का प्रबंध करती है। इस प्रकार से तो बालक क्या है, खाने पीने का प्रबंध आर्थिक सहायता तो कर देते हैं उस समय के लिए, लेकिन वो उस ऐसा प्रयास नहीं किया जाता कि वो आत्मनिर्भर बन सके। यदि वो अपंग है तो उसके लिए व्हील चेयर या कोई इसमें कृत्रिम जो पैर हैं, जैसे विकलांग है तो उसके पैर नहीं है तो उसके कृत्रिम पैर लगवा करके उसको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए ताकि वो खुद कमा सके और खुद खा सके और जीवन निर्वाह कर सके। इस प्रकार का कार्य अधिकतर नहीं किया जाता, तो इस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा भी इसमें सिर्फ आर्थिक सहयोग और खाने पीने का और रहने की व्यवस्था अधिकतर की जाती है। नंबर 5 है धन का। समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दया और सहानुभूति रखते हैं, लेकिन आज का जो जीवन है, आज के जीवन में परिवर्तन हो रहा है, जीवन में मौलिकता आ रही है और इस प्रकार की मौलिकता के आधार पर आज का जो समाज है वो इन चीज़ों में उसमें धन के दान वगैरह में अधिक विश्वास नहीं करता, जिसके कारण इन संस्थाओं के पास जो सामाजिक रूप से कार्य करती हैं, धार्मिक रूप से कार्य करती हैं, उनके पास भी धन का अभाव हो जाता है और जिससे धन का अभाव होगा तो संस्थाएं इस विकलांग बच्चों के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर पाती। इस प्रकार से इन संस्थाओं के पास भी धन का अभाव हो जाता है क्योंकि समाज में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, समाज कृत्रिम हो रहा है, कहने का अर्थ है कृत्रिम हो रहा है, मौलिकता आ रही है और वो सहानुभूति दया आदि से दूर होता जा रहा है, जिसके कारण वो क्या है इन चीज़ों में दान वगैरह में या चंदे वगैरह में विश्वास नहीं करता, तो वो इन संस्थाओं को दान अधिकतर नहीं देते लोग, तो संस्थाएँ धन से अभावित हो जाती हैं, धन उनके पास धन की कमी हो जाती है और वो संस्थाएँ क्या है समाज में जो विकलांग व्यक्ति है उनके लिए सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती। नंबर 6 है स्वतंत्र वातावरण का अभाव। स्वतंत्र वातावरण का अभाव, तो जो संस्थाएं विकलांगों के लिए कार्य करती हैं, विकलांग व्यक्ति अपंग व्यक्ति उन संस्थाओं में रहते हैं और संस्था में रह करके उसमें एक नियमों में बंधा हुआ रहना पड़ता है, उस संस्था के नियमों का पालन करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है बच्चों को। जिस प्रकार से बालक को एक अपने विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण नहीं मिल पाता, वो सिर्फ एक संस्था के नियमों में बंधकर रह जाते हैं, उनके लिए रुचि और योग्यता के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पर वातावरण नहीं मिलता, जिसके कारण वो अपना विकास नहीं कर पाते। जो संस्थाएं कार्य करती है वो नियमों के अकॉर्डिंग करती है, सबके लिए समान रूप से कार्य करती है, तो इस प्रकार से वो जो अलग अलग प्रकार की विकलांगता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पाते, अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, जिसके कारण वो अपना विकास नहीं कर पाते। इस प्रकार से यह है कि इस परोपकारी प्रतिमान के तहत जो संस्था है उनके अंदर बालकों के लिए स्वतंत्र वातावरण का अभाव होता है। नंबर 7 है शिक्षा का अभाव। इससे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गुणों के अंदर की इसके अंदर ज़्यादा शिक्षा का के लिए ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ खान पान और रहने के लिए ध्यान दिया जाता है। तो जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं
जो सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं वो इनके रहने और खाने पीने का और सिर्फ इसकी इसको समाज में रह सके सही ढंग से उसका विकास करती है, तो शिक्षा का की तरफ उसका अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण वो उनको उनकी योग्यता अकॉर्डिंग विकलांगता के अकॉर्डिंग उस प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं करवाए जाते कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, जिसके कारण वो क्या है शिक्षा का इसके अंदर अभाव होता है। आगे है नंबर 8 के अंदर वास्तविक प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव। तो इस परोपकारी प्रतिमान के तहत कोई इस प्रकार का कार्य का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता बच्चों को, विकलांग बालकों को, कि वो अपना व्यवसाय कर सकें, उसमें किसी कार्य के अंदर ट्रेंड हो सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। उनको सिर्फ एक मौलिकता के आधार पर, उनको सिर्फ एक रहने और खाने पीने की व्यवस्था के पर अधिक ध्यान दिया जाता है और व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाता कि वो अपना जीवन खुद चला सकें। इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं चलाए जाते कि उसको उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग कोई ऐसा काम या स्किल सिखा दिया जाए कि वो अपना समाज में रहकर, समाज के अंदर रह करके आत्मनिर्भर बन करके और आत्म सम्मान से वो क्या है अपना कार्य कर सके और अपना जीवन यापन आत्मविश्वास से जी सके। इस प्रकार के कार्य इसके अंदर अधिकतर नहीं किए जाते। तो आगे है सहभागिता का अभाव। तो सहभागिता के अभाव के अंदर ये है कि आज जो समाज है वो ज़्यादातर अधिकतर बालक है विकलांग बालकों का सहभागिता नहीं रखते, समाज के लोग भी अधिकतर सहभागिता नहीं रखते। जो सामान्य बालक हैं वो इन अब पिछड़े हुए बालकों को अलग समझते हैं, उनको सहभागिता के रूप में अपने साथ ज़्यादा खिलाते नहीं हैं, बिठाते नहीं हैं, और वो बालक जो कम होते हैं वो भी अलग थलग रहते हैं, जिसके कारण पृथक रहते हैं, वो इससे गुण मिलने वाले जिससे सहभागिता का अभाव रहता है, क्योंकि सामान्य बालक आजकल आज के समय में उनसे ज़्यादा अधिक सहानुभूति नहीं रखता। नंबर 10 है धार्मिक व जातिगत दोष। तो जैसा कि हमारा जो देश है वो विविधता से परिपूर्ण है, इसमें कई प्रकार के धार्मिक लोग रहते हैं और जातिगत लोग रहते हैं, और ये धार्मिकता कहीं ना कहीं मानवता पर हावी हो जाती है, और जिस जो ज्यादा धार्मिक और जातिगत जो दोष है ये उस पर हावी हो जाता है, और जो भी संस्थाएँ हैं अधिकतर धार्मिकता के नाम पर कार्य करती हैं और उसी धार्मिकता के आधार पर लोग दया सहयोग करते हैं, संस्थाओं को दान देते हैं, और उन्हीं वो संस्थाएं भी उस धार्मिकता के आधार पर ही उन्हीं धर्म के लोगों से या उन्हीं जाति से संबंधित लोगों पर क्या है वो उसका सहयोग करती है। तो कहीं ना कहीं मानवता और सामाजिकता पर ये संस्थाएं ये चीज़ें धार्मिक और जातिगत हावी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, जिसके कारण ये चीज़ें पूरे बालक संपूर्ण बालक को नहीं मिल पाती, सिर्फ जातिगत और धार्मिकता के आधार पर ही सहयोग मिल पाता है। तो ये किसका एक कारण है जो धार्मिक और जातिगत के आधार पर, जिसने कि वो सभी विकलांग व्यक्ति हैं या विकलांग बालकों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। इसके कारण इसी के साथ ही हमने जो अक्षमता का एक प्रॉपर प्रतिमान है उसके गुण और दोष देखे हैं, और आगे हम कल हम इसके जो नेक्स्ट प्रतिमान है वो देखेंगे। इसी के साथ ही धन्यवाद। उसको नोट्स के रूप में पढ़ते लिखते रहें और साथ साथ पढ़ते रहें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है साथ साथ क्लियर हो सके।
और सिलेबस भी आपका साथ साथ हो सके। धन्यवाद।